आगे बढ़ते हैं और अब खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। हमारे रिपोर्टर इंजीनियर खलील मुगल की इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस ने आईजी पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर की तरह नारोवाल में तहफ्फुज़ सेंटर कायम कर दिया, जिसके इफ्तिताह DPO राना ताहिर रहमान ने शहीद कांस्टेबल मोहम्मद बूटा के साहबजादे शेरोज बूटा के हमराह किया। मजीद तफसीलात जानते हैं खलील से। जी खलील, आगाह कीजिएगा हमें, क्या तफसीलात हैं आपके पास? अजी बिल्कुल, पंजाब पुलिस ने IG पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर की तरह नारोवाल में तहफ्फुज़ सेंटर कायम कर दिया, जिसका बुनियादी मकसद तशद्दुद, इस्तेहसाल, जिंसी हरासगी, मनफी रवैये से मुतासरा ट्रांसजेंडर माशरती अदम तहफ्फुज़ और अदम तवज्जो का शिकार बेघर और बेसहारा बच्चे, जहनी मजूरी का शिकार या स्पेशल अफराद नशेई और समाजी बुराइयों की दलदल में फंसे कम उम्र मासूम फूलों के तहफ्फुज़ के लिए सूबा में तहफ़ुज़ सेंटर कायम किए जा रहे हैं। इस मौके पर DPO राना ताहर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी किस्म की परेशानी में बिला खौफ व खिज़र तहफ़ुज़ सेंटर तशरीफ़ लाएँ, कानूनी कार्रवाई होगी। जी इस तरह आप जानते हैं कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के हिदायत की रोशनी में पूरे पंजाब में ये तहफ़ुज़ मराकज़ जो हैं वो अलहम्दुलिल्लाह कायम किए जा रहे हैं, जिसमें नारोवाल का आज हमने इनॉग्रेशन कर दिया है। इसके बुनियादी 3-4 मकासद हैं। एक तो जो हमारे वीक और डिस्ट्रेस्ड हैं एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि ट्रांसजेंडर्स हैं या रन अवे चिल्ड्रन हैं या इस तरह के जो जिनको कोई और पनाह नहीं मिल रही या उनको समझ नहीं आ रही कि उनका मसले का हल किसके पास है या कोई उनका इस तरह पुरसाने हाल नहीं है या वो समझते हैं कि उनको किसी ने नहीं सुनना, उनके लिए ये बिल्कुल डायरेक्ट हमारी तरफ से पंजाब पुलिस की तरफ से उनको आपके तवस्से से हम आगाह कर रहे हैं कि वो हमारे पास है।